हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी टीम सीएलसी और मेरे साथ हैं ओम प्रकाश आरण सर टीम केमिस्ट्री से। तो सर आज गुरुत्वीय अपन डिस्कस करेंगे 25 out of 34। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 + O2 से 2N, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है एंड दैट फॉर दिस रिएक्शन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे रखा है। तो K1 K2 में क्या रिलेशन होगा ये आपको निकालना है। तो देखो बच्चों, मतलब कि स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो देखो ये रिएक्शन है N2 इंक चेंज कर लेते हैं सर, ये दिखेगा नहीं। N2 + O2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है 2NO, इसका रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको K1 दे रखा है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या करना है आपको रिवर्स करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे क्या होगा NO आपके रिएक्टेंट साइड में, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो 2NO से क्या हो गया N2 + O2, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा तो 1/K1 हो गया। अब मुझे क्या चेंज करना है इसके अंदर, इधर देखो 2NO आ रहा है इस रिएक्शन में NO आ रहा है तो मैं क्या करूंगा इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करता है जी सर, तो NO 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 1/2 N2 और 1/2 O2। तो जिस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करते हो उसकी पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा यहां पे 1/K1 ⁻ 1/2 = किसके इक्वल हो जाएगा K2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे नहीं रखे, नहीं दे रखे ना, तो आप क्या करो इसको दोनों साइड आप मतलब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा 1/K1 = क्या हो जाएगा K2 का स्क्वायर। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K1 = क्या हो जाएगा 1/K2 का स्क्वायर। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल आप इसको यूं लिख सकते हैं 1/K2 क्योंकि एक का स्क्वायर तो वो एक ही होता ना, वो एक ही सर। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, वेरिएशन ऑफ लॉग के एंड 1/T इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ इन व्हिच स्ट्रेट लाइन इज एट 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपको दे रखा है कितना 45 डिग्री, स्लोप से निकल जाएगा क्यों सर? ठीक है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा दोनों साइड आप लोग लो तो लोग लोगे तो क्या होगा लॉग ई बेस के इक्वल टू लॉग ई बेस ए प्लस लॉग एन टू बी, इसको ओपन कर लेंगे e की पावर माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी, तो डेल्टा एच अपॉन आर टी लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग ई बेस ए माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी और लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों सर? बिल्कुल सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन आप बैक साइड में करना सर, एक बार सर अपने को इसको log 10 में लेना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो देख रहा हूँ log 10 में ले लो तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2.303 log 10 बेस के इक्वल टू 2.303 log 10 बेस ए माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब 2.303 से मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो फाइनल मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी log 10 बेस के इक्वल टू log 10 बेस ए माइनस का डेल्टा एच अपॉन 2.303 R। ठीक है, अब देखो रिएक्शन दो टाइप की होती है, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि हीट क्या करती है अब्सॉर्ब करती है। तो एंडोथर्मिक के केस में इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ अगर आप लोड करें log 10 बेस के और 1/T के बीच में तो नेगेटिव स्लोप आएगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इट मींस रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा डेल्टा एच का सेट क्या होगा नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा जैसा कि अपना ग्राफ है।
जैसा कि अपना ऐसा ग्राफ आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, log 10 बेस के और 1 अपॉन टी के बीच में ऐसा ग्राफ आपको दे रखा है, ऐसा ही आएगा। ये एंगल आपको कितना दे रखा है 45 डिग्री, और ये स्लोप की वैल्यू अभी निकाली थी कितनी थी 1 थी। तो ये हां जी स्लोप अपना सर यहां से ही आ गया जी सर, तो अपन इसको ले सकते हैं 1 - del h 2.303 r 1 अपॉन टी तो अपना जी सर, ये तो आपने एक्स एक्सिस पे ले रखा है, तो अपने को तो डेल एच चाहिए था, तो डेल एच हो जाएगा -2.303 r। आर की वैल्यू अपन आंसर जो दे रखे हैं वो कैलोरी में दे रखे हैं, तो दो ले लेते हैं अपन इसकी वैल्यू, तो -2.303 × 2 तो ये आ जाएगा -4.606 कैलोरी। ये यूनिट तो दे रखी है। हाँ सर नेक्स्ट। बिल्कुल सर अपना सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। For the decomposition of PCl5 in a closed vessel, the degree of dissociation is alpha and total pressure is P. तो सर आगे आप ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। बिल्कुल सर। अपन इसको यूं कर सकते हैं PCl5 PCl3 plus Cl। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है जी सर। इनिशियली अपन इसका 1 मोल मान ले तो ये 0-0 हो जाएंगे जी सर। अब 1 में से अगर ये अल्फा जाता है तो ये अल्फा अल्फा मोल बन जाएगा जी सर। टोटल मोल देखिए इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये T = 0 की कंडीशन हो गई, तो टोटल मोल्स अगर इनको जोड़ देंगे अपन, जोड़ेंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे अपने 1 + अल्फा। अब इनको पार्शियल प्रेशर में बदल लेते हैं। बिल्कुल, इसके जो भी मोल है इसमें टोटल मोल्स का डिवाइड कर दें और पार्शियल प्रेशर से इसको ओपन क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा जी सर। तो ये आ गया अल्फा पी 1 + अल्फा, अल्फा पी 1 + अल्फा जी सर। अब यहां से सर अपन केपी की वैल्यू रख लेंगे जी, तो अपने जो डेटा आ गए इनको एक बार अलग लिख लेते हैं जगह है ना। पीसीएल 5 का पार्शियल प्रेशर अपने पास आ गया सर 1 - अल्फा 1 + अल्फा जी। इसी प्रकार अपने पास है PCl3 और Cl2 के लिए सेम है अल्फा पी अपॉन 1 + जी सर। तो इसका अब केपी के साथ रिलेशन देखना है, तो अपन केपी लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का अपॉन पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट, तो अपन ले सकते हैं अल्फा पी अपॉन 1 + अल्फा इनटू अल्फा पी 1 + अल्फा। बिल्कुल सही है सर। अपॉन ये आ जाएगा 1 - अल्फा 1 + अल्फा इनटू पी कर दो, ये पावर में इनटू में करना था पावर में, तो ये आ जाएगा इनटू जी सर पी। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा केपी अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर 1 + अल्फा स्क्वायर इनटू ये आ जाएगा 1 - अल्फा पी 1 + अल्फा, तो 1 + अल्फा से तो एक ये कैंसिल जी सर, एक पी से अपना एक पी चला जाएगा, तो यहां से अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर जी सर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। हां रिवर्स कर लो, 1 अपॉन केपी इज इक्वल टू 1 - अल्फा स्क्वायर, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर पी अपॉन अल्फा स्क्वायर ठीक है सर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा आप सर इसको ऐसे भी मतलब आप कर रहे हो वो भी सीख रहे हो, फिर मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, हां सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे केपी माइनस का केपी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पी। बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी प्लस केपी इनटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा केपी अपॉन पी प्लस केपी कॉन रूट ये अल्फा के लिए, तो अपना आंसर हां बिल्कुल ये सीधा प्रोसेस हो गया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर आ गया इट्स करेक्ट। नेक्स्ट चले सर जी सर। तो एसिडिक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन, तो इसके लिए देखो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया डी माइनस का डी अपॉन 1 अपॉन एन - 1 डी
ये डी थ्योरिटिकल है, ये डी ऑब्जर्व्ड है। जो कैपिटल है वो थ्योरिटिकल डेंसिटी है और जो स्मॉल डी है वो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टू। तो एल बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस का स्मॉल डी अपॉन वन बाई टू माइनस वन इन टू डी। अब जब वन बाई टू माइनस वन है तो माइनस का वन बाई टू आ जाएगा, तो एल बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले आ जाएगा स्मॉल डी माइनस का कैपिटल डी अपॉन नीचे क्या है स्मॉल डी, और वो माइनस का वन बाई टू है तो वो टू ऊपर चला जाएगा। तो सर ये इसका आंसर आएगा एल बाई इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, जिसमें आपको ध्यान रखना है ऑब्जर्व और थियोरेटिकल डेटा कौन सा है। जी सर, consider the decomposition of the compound C5H6O3 as follow। reactions के अनुसार ये decomposition हो रहा है और इसके लिए अपने को sample का जो weight दिया गया है 5.63 gram sample दिया गया है। in otherwise MPT 2.50 liter flask and heated to 200 degree Celsius, the pressure in the flask gradually rose to 1.63 atm and remained at the value calculate के क्या निकालना है। तो सबसे पहले अपने को इसका इनिशियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन इसका इनिशियल प्रेशर अपन निकाल लेते हैं। तो अपना वही PV is equal to nRT, nRT लगा देंगे तो P आ जाएगा अपना nRT upon PV। तो P n निकालना है तो अपने को वेट दिया गया है इसका 5.63। तो अपने को वेट दे दिया 5.63। इसका मॉलिक्यूलर वेट 114 होता है। जी सर। आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.0821। टेम्परेचर अपने पास देखना है तो टेम्परेचर अपने को 200 डिग्री सेल्सियस दिया है सर, तो अपने इसको केल्विन में बदलेंगे 473 केल्विन। वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने को दे रखा है यहाँ पर लीटर में दे रखा है। जी सर। 2.50 जी। तो 2.50 इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 0.78 एटीएम आ जाएगा। जी सर, ये आपके पास प्रेशर आ गया। हाँ, प्रेशर आ गया। तो यहाँ से मैं इनिशियल प्रेशर निकाल चुका हूँ, वो मेरे पास 0.78 है। मैं इसको उठाऊंगा एक बार, देखिए सोल्व कमी है अपने पास। ये इनिशियल प्रेशर अपन ने निकाल दिया। जी सर। अब अपन सर रिएक्शन के पास आते हैं, जो रिएक्शन इसने दे रखी है क्वेश्चन। तो अपने पास रिएक्शन थी C5H6O3, ये डिकम्पोज हो रहा है C2H6 plus 3CO। तो इनिशियल प्रेशर मेरे पास 0.78 है, उस समय रिएक्शन हुई नहीं तो ये तो हो जाएंगे सर 0.0। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अपन बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम की। तो 0.78 माइनस एक्स इसमें से चला गया प्रेशर, एक्स इसका बन गया, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग 3x बन जाएगा। बिल्कुल सही। और अपने को टोटल प्रेशर बाद में जो इक्विलिब्रियम पर दिया गया है वो इनके टोटल के बराबर आ जाएगा, वो होगा 0.78 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू 1.6388। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.288 आ जाएगा। जी सर। तो ये तो आ जाएगा 0.288, ये अपने पास आ जाएगा 3 × 0.288, और ये आ जाएगा मेरे पास 0.78 माइनस 0.288। इसको माइनस करना सर, देखिए एक बार। तो इसमें अपन सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं सर। देखो KP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप कहने का मतलब सबका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया। बिल्कुल सर। ठीक है, तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट का क्या है 0.288। बिल्कुल सर। इनटू 3 × 0.288 ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा 0.78 माइनस माइनस 0.288। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करोगे तो 0.4 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, यूनिट भी अगर देखना चाहे तो ये एटीएम हो जाएगा, ये एटीएम क्यूब हो जाएगा और ये एटीएम होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एटीएम क्यूब अपना यहाँ पे बस जाए। ठीक है सर। तो अपना आंसर इसमें आ जाएगा सर सेकंड ऑप्शन से। नेक्स्ट चले सर। जी सर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कॉलम द मैच करना है। ये लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, ये लिस्ट सेकंड दे रखी है। तो सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? यहां पे सर बॉन्ड बन रहा है। जी सर, जनरली तो अपन क्या बोलते हैं कि डेल्टा एनजी जीरो होता है वो ना तो एंडो होता है ना एक्सो होता है, लेकिन कुछ एक रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें अपने को देखना है कि बॉन्ड टूट रहा है कि बन रहा है। हां, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो काफी होते हैं। इट मींस आपका कहने का मतलब ये डेल्टा एच से नेगेटिव नेगेटिव है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक को फॉरवर्ड ले जाना है तो लिटरली के अकॉर्डिंग अपने को टेंपरेचर कम चाहिए होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, टेंपरेचर कम करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो कहने का मतलब इसमें टेंपरेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लो टेंपरेचर होना चाहिए। तो एक तो सेकंड हो गया, और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर आप इस तरीके से देखो डेल्टा एन क्या है, जीरो है, क्योंकि रिएक्टेंट की गैस स्मॉल और प्रोडक्ट की गैस स्मॉल इक्वल है। आप प्रेशर की कंडीशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप ये याद रखो डेल्टा एन जी जीरो आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। ये अपना डेल्टा एन जी एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट है, इसमें सिर्फ गैसेस मोल ही इंक्लूड करेंगे। जी सर, तो इसमें एक अपना 5 से आ जाएगा सर, तो 2 और 5 आ गया पी के अंदर। सेकंड रिएक्शन क्या है? 2SO2 + O2 से 2SO3। ठीक है, तो देखो सर 2 और 1 3 मोल से 2 बन रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड बन रहा है। बिल्कुल बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है तो ये प्रोसेस हो गई अपनी एक्सोथर्मिक। तो इस कंडीशन के डेल्टा एस नेगेटिव तो टेंपरेचर तो लो सी, लो सेलिंग बात ही। अब देखो नंबर ऑफ गैसेस मोल के इधर 3 है और इधर क्या है 2 है, और डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर रिएक्शन को कम मोल की लेके जाना है तो प्रेशर ज्यादा करो। बिल्कुल, इट मींस थर्ड ऑप्शन है हाई प्रेशर और लो टेंपरेचर, 2 और 3। बिल्कुल सर, ये रिएक्शन क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा? टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको टेंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक तो फर्स्ट आ जाएगा। और प्रेशर का देखो तो इधर देखो गैस स्मॉल कितने 2 है और इधर गैस स्मॉल के है 4 है, तो आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड हो जाएगी। ये रिएक्शन दे रखी है। The corresponding value of Kc with concentration in mole per liter. Sir, आप discuss करें इसको। इसको तो सर बिल्कुल simple सा वो दे दिया कि relations है। जी। इसके अलावा अपने कुछ नहीं करना है। जी। Kc चाहिए तो Kp upon Rt की power delta ng। जी। तो Kp अपना दे रखा है 1.44 into 10 की power minus 5। जी। R अपने को दे रखा है 0.0821। याद आएगा एटीएम मीटर वाला, क्योंकि अपने को ये डेटा एटीएम में दे रखा है। टेंपरेचर है 773 केल्विन, 773। अब डेल्टा एनजी निकालना अपने को, तो रिएक्शन से पता चल रहा है डेल्टा एनजी इसका माइनस 2 आएगा, मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, जैसा कि सर ने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। बिल्कुल सर, तो अपना आंसर इसमें फोर्थ आ जाएगा सर। जी सर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है जिसका Kp is equal to KcRt के पावर x, where the symbol have usual meaning than the value of x। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन JE के अंदर आया हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आया। तो इसमें भी आप बता दो, ये सिर्फ वो घुमा ही रहा है सर, ये डेल्टा एन जी है वो, यानी कि आपके कहने का मतलब डेल्टा एन जी इक्वल टू एक्स है। हाँ, और डेल्टा एन जी आप निकाल सकते हो मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितना है, 1 माइनस रिएक्टेंट की गैसेस मोल 1 प्लस 1 बाई 2। इट मींस क्या आ जाएगा? माइनस का 1 बाई 2 आ जाएगा। इट मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 1 बाई 2। इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, यहां पे बीच में बच्चों प्लस का साइन है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। ठीक है, अब देखो आपको प्लस बी 2 और गैस है दोनों। जी जी जी, अब ये रिएक्शन दे रखी है और एक रिएक्शन ये दे रखी है, इन दोनों में आपस में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इसकी रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। तो K2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 / K1। बिल्कुल सर, अब यहां पे क्या है, आप रिवर्स करोगे तो 2AB आएगा, जबकि आपको क्या लाना है 6AB, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो उसके पावर में चला जाता है। बिल्कुल सर, तो 1 / K3 की पावर 3। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा? ये आ जाएगा सर।
जी, क्योंकि K2 इसको अपन यूं कर सकते हैं K1 पावर माइनस 1 दे, K1 को ऊपर ले आए। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, ऐसा पहला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। री भी रिएक्शन दे रखे, सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं और आपको इन दोनों रिएक्शन से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। जी सर, सर करो डिस्कस सर आप इसमें। देखें तो सर, पहला जो रिएक्शन है S plus O2, इससे SO2 बन रहा है जी, और दूसरे वाले में S plus O2 से SO3 बना रहा है। इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपको प्रोडक्ट में 2 SO3 चाहिए। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई करना। जी सर ठीक है, तो इसको रिवर्स करेंगे। हाँ, रिवर्स करते ही ये हो जाएगा 1 अपॉन K1, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा ये बन जाएगा पावर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 52 की पावर 2 की पावर है 2। हां सही है, तो ये आ जाएगा जी सर। और साथ में उसको अब जोड़ देना है इसमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 10 की पावर 129। इसको सॉल्व करेंगे तो करोगे तो 1 अपॉन 10 की पावर कितनी आएगी, ये हो जाएगा 104 104 ये हो जाएगा 10 की पावर 129। तो कहने का मतलब ये क्या आएगा, 10 की पावर 25 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन देर की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार केमिकल इक्विलिब्रियम में आती रहती है। इसका आपको इसमें सर ये क्वेश्चंस है अपने मोर देन वन टाइप। जी सर जी सर, मैं ऊपर चेक नहीं किया था, वीडियो की इज 50 at 400 Kelvin and 700 Kelvin दे रखा है, मतलब कि T8 700 at 500 Kelvin, मतलब कि 400 Kelvin टेम्परेचर पे, कहने का मतलब इसका रेड कौन के दे रखा है 50 जी। बिल्कुल सर, और जब इसका टेम्परेचर अपना 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इसका के दे रखा आपको 1700। It means temperature increase कर रहे हो तो K increase हो रहा है। It means किस type की reaction, ये endothermic type की reaction। आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं जी, यहाँ पे decomposition हो रहा है, N2O4 टूट रहा है किसमें, 2NO2 में, bond तोड़ रहे हैं तो energy देनी पड़ेगी। तो एक तो ये endothermic process हो गई, तो पहला सही है सर। आगे फिर ये कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा फिर ये कह रहा है कि if NO2 and N2O4 are mixed at 400 Kelvin, के at partial pressure 400 Kelvin पर इसका partial pressure तो दे रहा है अपने का कितना 20 और इसका ले रहा है 2। तो देख लेते हैं इसका product coefficient निकाल लेते हैं QP। तो वो क्या आ जाएगा अपना NO2, तो इसका 20 दिया है तो 20 का square हो जाएगा, और N2O5 के लिए दिया है 2 तो ये आ जाएगा 200। तो जो QP है अपना, ये K सिर्फ 50 ही है, K से क्या आ रहा है बड़ा, तो ये रिएक्शन को इधर ले जाना पड़ेगा तो बैकवर्ड आएगी। जी सर पीछे की तरफ लाना पड़ेगा रिएक्शन। थर्ड है, फोर्थ ऑप्शन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। एंट्रोपी बच्चों क्या होती है, सिस्टम की रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। अब रिएक्शन में एंट्रोपी किसे देखोगे, नंबर ऑफ गैस स्मॉल से। तो देखो यहां पे नंबर ऑफ गैस स्मॉल 1 है, यहां पे नंबर ऑफ गैस स्मॉल 2 है, तो नंबर ऑफ गैस स्मॉल इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी नो डाउट क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही हो गया क्योंकि बैकवर्ड होगी तो N2O4 ज्यादा। जी सर, यानी कि आप क्या करेंगे, मतलब 1/3 और 4th ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट जी सर। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन वुड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो देखो अभी सर ने आपको बताया कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोर क्या हो, कम होंगे। मैं राइट सर? बिल्कुल सर। अब देखो आप प्रेशर इंक्रीज करो, आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट हो रही है, ये तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रही है, बिल्कुल सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अरे क्वेश्चन पूछ रहा लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो गया सर। इसमें देखो क्या होगा, यहां पे मोल्स ज्यादा है, यहां मोल्स कम है, कम है। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में, इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि सडनता था डेल्टा एन जी की वैल्यू जैसे जीरो होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इसमें अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये कहां पे शिफ्ट होगी, राइट शिफ्ट होगी। क्यों सर? कम मोल सर, लेफ्ट, यहां एक मोल है, यहां दो। हां जी सर, पीछे की तरफ शिफ्ट। तो इसके मतलब इसमें थर्ड और फोर्थ बोथ आर करेक्ट हो। ठीक सर, नेक्स्ट, When sodium nitrate is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and sodium nitrate is left behind at equilibrium. ठीक है? यानी कि इस reaction, ये reaction decomposition reaction है, तो
आपके हिसाब से ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इट मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो रिएक्शन आपको चेक करनी पड़ेगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप डिकम्पोजिशन ऐसे पता कर लो, नहीं आप ये देख लो कि डेल्टा एनजी निकालो और डेल्टा एनजी में गैसेस मॉल इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहां पे डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है, जिसका मतलब ये एंडोथर्मिक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका तो सर एडिशन करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मान लो मैं अगर इसको ऐड भी कर रहा हूं तो सॉलिड सब्सटेंस को अपन मानते भी नहीं है इक्विलिब्रियम में, जी जी, तो इसके तो मैं बात ही नहीं करूंगा। जी जी। ऐसे ये कह रहा है कि NaNO3 का योग करूंगा, तो ये बात भी मैं यहां पे नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों सॉलिड सब्सटेंस है, उनकी डेंसिटी क्या होती है, 1 होते हैं, इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं होती, तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इनकी कंसंट्रेशन अपन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, सिर्फ गैसेस की लिखते हैं। हां सर, फिर कह रहा है इंक्रीजिंग टेंपरेचर फेवरेबल फॉरवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, एंडोथर्मिकता तो ये फेवरेबल है, पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बिल्कुल बैकवर्ड आएगी, क्योंकि इधर मोल कम है, मोल कम है, मोल कम माने जाएंगे, क्योंकि मोल सिर्फ हाफ माना जाएगा यार, वो भी प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। जी सर, राइट, नेक्स्ट सर, व्हिच इज करेक्ट, मीन में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सर, मैंने कई बार देखा है, और क्यों कैलकुलेशन की कम आते हैं, ये ज्यादा आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ये वही आ जाएगा सर, यहां से अपन इसको दे सकते हैं, डेल्टा जी इज टू अपना डेल एच माइनस टी डेल एच, अपन ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इसके अलावा मेटलर्जी में भी एलिगम डायग्राम के साथ काफी ज्यादा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो देखा जाए तो डेल्टा जी तो अपने को पता है क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के, जी सर, डेल्टा जी लो, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो पूरा सीधा लॉग में चेंज कर देता हूं मैं, माइनस 2.303 आर टी लॉग के, तो एक तो सर अपना सेकंड सीयू है, बिल्कुल, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, यहां रखता हूं इस डेटा को, यानी ये वैल्यू आप यहां पुट करना चाह रहे हैं, जी सर, जी सर, करो, तो मैं जैसे इस डेटा को यहां रखूंगा, हां, तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के डेल एच नॉट माइनस टी, जी सर, तो इसको मैं सर उधर ले जाता हूँ, यहाँ सिर्फ मैं लॉग के रखता हूँ, ये 2.3 लॉग के, इसको लाने की कोशिश करता हूँ, आता है तो 2.303 लॉग के मैंने इधर रख लिए, बाकी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया टी डेल एस नॉट अपॉन 2. ये तो उधर रख लिया ना, आर टी आ जाएगा, ओनली आर टी, आर टी, तो टी से टी से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, डेल एच नॉट अपॉन आर टी, इट मींस पहला ऑप्शन इज करेक्ट, हां पहला भी फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सेकंड वाला फिर करेक्ट हो भी नहीं सकता ये, क्योंकि ये माइनस अगर यहां रखोगे तो फिर ये माइनस करेगा, ये प्लस करेगा, ठीक ठीक ठीक, तो ये अपने आप ही कैंसिल हो गए, और ऐसे ही ये भी अपने पास डेराइव नहीं हो, हां नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं, यानी फर्स्ट उसमें से एक डेटा तो माइनस का होगा ही होगा, अगर माइनस, जी 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 बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन आर गिवन बिलो अगेंस्ट ईच ऑफ द रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन दे रखी है, इन सब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखे, तो आपने एक फैक्टर पढ़ा होगा स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपने इक्विलिब्रियम, ये जितना बड़ा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि के इक्विलिब्रियम बराबर, वी नो दैट के इक्विलिब्रियम बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और के कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा, के कम हो जाएगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, हां जी, तो यहां पे सर देखने में पता चल रहा है कि सबसे बड़ा के इसका है, जी, तो मोस्ट स्टेबल तो हो गया अपना एनो, तो जो कि अपना सेकंड है जी, और सबसे कम है ये, तो सबसे ये लेस स्टेबल हो गया, और अगर इसको सीक्वेंस देना चाहिए, हाँ, तो सबसे ज्यादा तो सर NO हो गया जी, फिर अपने पास आ जाएगा कौन, N2O5 आ जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा NO2, जो कि इनमें एक भी ऑप्शन नहीं है, इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट सर, जी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दे रखा है, यानी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, इंटीजर टाइप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इसका आपको दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना हो रहा है, आपको देख रहा है इस रिलेशन और इस रिएक्शन में क्या रिलेशन निकाल सकता हूं, तो यहां पे देखो SO3
रिएक्टेंट से डाल रहा है, इसमें SO3 प्रोडक्ट से डाल रहा है, तो रिएक्शन को रिवर्स करोगे आप। तो मैं इसको कर दूंगा 1 × 4 × 10⁻³। एक तो रिवर्स कर दिया, फिर इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको कर दूंगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/16 × 10⁶। तो ये सॉल्व करेंगे तो लगभग 2. पूरा ये इसको यूं कर देता हूं, सिंपल कर देता हूं, तो 16 तो ये आ जाएगा 6.2 × 10⁴ आ जाएगा। और ये जो रिएक्शन क्वेश्चेंट है क्यूपी, वो इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद और एट इक्विलिब्रियम किसी भी पोजीशन पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो समझ लो इक्विलिब्रियम है। जी सर। और अगर मान लो कि अपना जो इक्विलिब्रियम है वो बड़ा है, तो अपने को इधर ले जाना पड़ेगा फॉरवर्ड। तो इस केस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर इक्विलिब्रियम ये बड़ा आ जाएगा क्यूपी, तो अब पीछे की तरफ लाना पड़ेगा रिएक्शन। तो ये इसके पास एक्शन है, यहां पे ये बड़ा था तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। और यहाँ पे ये है कम, तो इसको बढ़ाना ही आला। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो मतलब कहने का मतलब है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 1 × 10⁻¹, तो क्यूपी निकालो। क्यूपी निकाल, तो निकालो सर क्यूपी क्या आएगी। तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ × 10⁻⁵ / 2 × 10⁻⁵। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁵। ये आ जाएगा, एक मिनट सर, ये स्क्वायर होगा। अच्छा अच्छा, तो ये भी गया, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी कि 0.25 आ जाएगा। क्यूपी आ जाएगा 1/4, जो कि इससे बड़ा है, बिल्कुल इससे बड़ा है। तो क्यूपी की वैल्यू किससे ज्यादा है, के इक्विलिब्रियम से। तो रिएक्शन को बैकवर्ड करना, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, या कई बार पूछ लेते राइट हैंड साइड में मूव होगी या लेफ्ट हैंड साइड में होगी, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में मूव होगी। ठीक है सर, तो इसमें अपने को कर देना है बैकवर्ड डायरेक्शन मूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5, PCl3 एंड Cl2 एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर एंड देयर कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो इसमें आपको केसी कुछ सो सिंपल क्वेश्चन हो रहा है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक बार कंसंट्रेशन बोलना सर, PCl3 PCl3 की कंसंट्रेशन है बेटा। एक बार आप कंसंट्रेशन देख सीक्वेंस के साथ दे रखी है, तो ये PCl3 की 1.2 × 10⁻³, Cl2 की आपको 1.2 × 10⁻³ अपॉन 0.8 ×, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 4, 6, 2, 3 कैंसिल 0.6, 1.8 × 10⁻³। बिल्कुल सही आंसर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है 0.0118 at 1200 केल्विन व्हाइल हीट ऑफ डिसोसिएशन है, ये डेल्टा एच के लिए दे रखे हैं, द स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट रिएक्शन एट 300 केल्विन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टेंपरेचर लिख लो, T1 टेंपरेचर पे मतलब कि कितना है, T1 टेंपरेचर है 1200 केल्विन, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0118, बाद में टेंपरेचर इंक्रीज करके कितना कर दिया, T2 कितना कर दिया 1300 केल्विन, और उस केस में K2 कितना हो गया, ये पूछा है K2 मतलब कि आपसे पूछा है, और डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, हीट ऑफ रिएक्शन दे रखे 597.4 किलो जूल। तो किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट करना। अब इससे आप वोल्ट ऑफ इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे सर, नेक्स्ट करना खाली पेज। तो देखो वोल्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, सीधे आपको याद रखिए, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। जी सर,
अब आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू आप जो भी करोगे 8.314 सर ये आ जाएगा लॉग k2 अपॉन 0.0118 जी, ये अपने को दे रखा है कितना डेल्टा है 597.4 ये आ जाएगा 2.303 आर की वैल्यू आ जाएगी 8.314 और ये आ जाएगा 100 अपॉन जी सर बिल्कुल सही। तो अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा लॉग k2 अपॉन 0.0118 इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा जी सर। तो अपन इसको सीधा कर सकते हैं, इसका एंटी लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा 0.0118 तो ये किसका है लॉग वैल्यू होता है 10 की पावर 2 का जी सर। तो k2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0118 * 100 तो ये अपना आ जाएगा 1.18 जी बिल्कुल सही आंसर है सर। तो ठीक है बच्चों आज के लिए इतना काफी है और आप केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से रिवाइज करें, उसमें जो ये मोस्टली क्वेश्चन वही आते हैं मतलब रिएक्शन को मतलब कि रिवर्स करना है, किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है या ली चैटेलर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कभी-कभी ये वन टॉपिक क्वेश्चन या वन टॉपिक क्वेश्चन से आ सकता है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू।